क्या आपको लगता है पैसे कमाना इजी है हाँ मेहनत का काम है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पैसे कमा लूंगा क्या आपका एटीट्यूड पैसों को लेकर इस डिरेक्शन में है या हलो नमस्ते पे चेक प्रोज तो, मैं हूं मनीष आउजा और ये पे चेक टू तो प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो डेडिकेटेड है आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूं हर फोर्थ फोर्टीन और ट्वेंटी फोर्थ तारीख को और इस महीने मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रॉबेबली मैंने आज तक जितने भी टॉपिक के बारे में बात किया है उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वो है माइंड ऑफ मनी अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा था जो फोर्थ ऑफ जुलाई को मैंने पोस्ट किया था उसे आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और अगर आपने देख लिया है वो वीडियो तो भी मेरी बात मानिए एक बार के लिए पॉज करके उस वीडियो को वापस देख लीजिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक को समझना डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन इस टॉपिक को इंटरनलाइज करना और इसके बारे में सही तरह से सोचना सही डायरेक्शन में सोचना बहुत ज़रूरी है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि आपका माइंडसेट पैसों को लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है और इसे समझना काफ़ी इजी है क्या पैसों के बारे में सोचकर आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल आती है कि आप टेंस्ड हो जाते हैं क्या आप अपने पैसों के फ्यूचर के बारे में सोच उत्साहित होते हैं या क्या आप नर्वस हो जाते हैं और एंग्जाइटी होने लगती है आपको क्या आपको लगता है पैसे कमाना इजी है हाँ मेहनत का काम है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पैसे कमा लूंगा क्या आपका एटीट्यूड पैसों को लेकर इस डायरेक्शन में है या क्या आप हमेशा बेचैन रहते हैं पैसों को ग्रो करने के बारे में सोचकर या कैसे और पैसा कमाया जाए इस टॉपिक को लेकर पैसों की कमी कोई खास बात नहीं है बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोग्रेस के पाथ पे हैं जिनको और बहुत पैसे कमाना बाकी है मैं भी उसी पाथ पे हूँ बट उस टॉपिक को लेकर एंशियस होना उस टॉपिक को लेकर नर्वस होना कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आपका माइंडसेट पैसों को लेकर आज की तारीख में भी नेगेटिव है अगर आपने इस वीडियो में पूछे गए पहले के सारे सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब भी अगर आपका नेगेटिव रहा है तो आपका माइंडसेट पैसों को लेकर अब तक पॉजिटिव नहीं हुआ है लेकिन इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में लगे हुए हैं मैं खुद कुछ सालों पहले तक इसी नेगेटिव माइंडसेट का शिकार हुआ करता था अगर आप चाहें तो आप अपने पैसों को लेकर नेगेटिव माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और ये चैनल और ख़ास करके ये महीने का कंटेंट आपको इसी के लिए हेल्प करेगा इनफैक्ट मेरा आने वाला वीडियो ट्वेंटी जुलाई को बात करेगा कि अगर आपका माइंड पैसों को लेकर नेगेटिव है तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कीजिए अगर आप किसी को भी जानते हैं जो पैसों को लेकर हमेशा टेंस्ड रहते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वाला वीडियो पर्सनली शेयर कीजिए क्योंकि मानो या ना मानो उस इंसान को इस वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़े परेशान हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे सुधार सकते हैं तो आप इसी चैनल के पहले वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने रियल एस्टेट इक्विटीज़ म्यूचुअल फंड्स सारे टॉपिक्स के बारे में कोई ना कोई वीडियोस पहले बनाए हुए हैं अगर आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ उसके बारे में कमेंट कीजिएगा मैं पर्सनली सारे मैसेजेस पढ़कर अगर किसी का भी मैं रिप्लाई दे सकूँ या किसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं उसका जवाब आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगा बस आज के लिए इतना ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए घर से बाहर ना निकले और अगर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो बिना मास्क के तो बिल्कुल भी मत निकले अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए हंसते रहिए और खुश रहिए कचिंग